आज हम पंकरा भक्तन के तहे जो मरची चिकने गांव का कैमर अत बंजारा तालुक है अत तालुका बसो कल्याण बीदर स्थित करो कर्नाटक देवाल से आज जो ये अब हमें जगह पर फ्रंट होटल पुण्य ओ भाई रोच के तो बापुरो कतो अखिल कर्नाटक बंजारा धर्म गुरुगल महासभा कैमर बन है अध्यक्ष स्थान के देश वो बदले आप अपन प्रिंसी जवान भी और बड़े कच्चर फिर भी पला देश वालों के में जो अध्यक्ष बनाया था वो बोले खुशी थी कामार आपन गुलवार कामार प्रेमजी जवान खेम सिंह बाबू एम जादेव हरुद आपन समाज नायक कारवाई नायक सर नसा वैसा भी आपन यारी दादी नानी से बड़े नवाब और सम्मान करे कारण कहें तो और एक्चुअली आपन जो कर्नाटक में था सर मारा दो कर वो पोस्ट के कम जमा था वो पोस्ट प्रिंस करते तो आपन भाई आपन बापू जो लोकेश मारा जमा था वो तालुका बसर कल्याण चिकने और तांडा हम कामर बीजर दिस्ती के भाई अब कामर जो भूले हार चार बजे का तालियां मारो भाई तालियां मारो अब बापू नामा से भूले कामर इकड़ों में पूछो एक मिनट मन मंदिर से बैठा हाँ अरे तो अब अच्छे कामर मकुचो बोलो लोकेश महाराज की जय लोकेश महाराज की जय लोकेश महाराज की जय बोल समाज की जय बोल समाज की जय बोल बाप धर्म गुरु की जय देश वाला अब अपन दो भाई से जानू क्या कैसे प्रेम सिंह जवान गुरुवा में अब प्रेम सिंह जवान काहे समाज संदेश सर बाबू जय वाला जय वाला अब बोलो काहे संदेश समाज आज विश्व गुरु संत श्री सेवालाल महाराज कोटि कोटि प्रणाम कर ले बंजारा समाज रे कुलदेवते आदिशक्ति मरियामन कोटि कोटि प्रणाम कर ले अजय को भगवान डॉक्टर रामराव महाराज कोटि कोटि प्रणाम कर ले आज कर्नाटक में अखिल कर्नाटक बंजारा धर्मगुरु महासभा जो अध्यक्ष परम पूज्य श्री लोकेश महाराज मटे नाम ले जा आज ये मटे मान हमने नशो आनंद हुयो सारी कर्नाटक के रो बंजारा धर्मगुरु रो अध्यक्ष परम पूज्य लोकेश महाराज बापू करन कतो उन्हें सम्मान करन उन्हें आशीर्वाद दीदे चा आज महाराष्ट्र थी आज दूसरे स्टेट थी आज कर्नाटक थी और बाद आज गुलबर्गा जिला कवि बरहगार एक साहित्य अनेक हाईस्कूल हेडमास्टर हमारे बाबू जादू जी आमरोच और बाद अजय को समाज एक चिंतन करे वालो समाज रो रातन दार कलकड़ी करन समाज रो बगेरमई और अजय व्हाट्सएप में छोड़े वालो अनेक फायर ऑफिसर में एक ऑफिसर हमारे खेम सिंह कुमार जी आमरोच और बाद बेंगलुरु थी ऑल इंडिया बंजारा संदेश टीवी करें का तो उन सारी बंजारा समाज सारी भारत देश का वा सारी विश्व में वहां वाला क्या वालों आपन सुभाष चव्हाण आमर होच अन आज आज बापूर आज उन जन्मदिन जो कौन बापू छ आज एक जन्मदिन वाला बापूर याड़ी अच्छा और बाद सारी से समाज वाला भला काल बापून जो कौन कर्नाटक अखिल कर्नाटक बंजारा धर्मगुरु अध्यक्ष बड़ान मुंदम जो कौन हस्तांतर से किरे सापन से धर्मगुरु घने आचेतराती बीजापुर एक जिला में घन मोटा से एक उद्घाटन हुई अखिल कर्नाटक बंजारा धर्मगुरु और बाद राजकीय गंडेवती आए थे दावसान नायक सेवे आए थे यारियों नामित थी कम से कम से एक काले एक एक मोटो सम्मेलन एक यात्रा हो जो वेन बापुन जो कौन अध्यक्ष देन उन्होंने हस्तांतर किए
सारी कर्नाटक महाराष्ट्र तेलंगाना मिलते जो से आप बंजारा समाज है दूसरे समाज भी मिलते आज विशेषवा केर सक आ देश स्वतंत्र वेन 75 वर्ष वेगे आज आप मट्ट वेणु एक एक जागा अपन अपन भारत देश काशी पौरा कुछ रामराव महाराज दुसरे दुसरे मटेर पे महाराज जागे रहते आदर सेवेन भड़न कम से कम सात से 8 वर्ष दाड़ो हमार टीम अपन समाज नानक्या मोड सेवेन भड़न कतकत महाराज से से महाराज ने एक उड़ी लियो एक जाग भेड़न जो दूसरा समाज से वो समाज है ज्योति ज्योति लिए चाहनो लिंगायत धर्म से उन्दर ज्योति ज्योति ने अपने ले चाहनो करन का जब उन्हें आचा मनोभाव ना आचो विचारे रे कर आपन मजा रहलो हन्नेडे शतमाने में बसे सो कल्याण नाड़े में पैदा वे एक आचो मोटो क्रांति कर ले सारी समाज रे भड़न जो पार्लियामेंट में चालू जो आज अकमा देवी आज बसवेश्वर हमार हर पुड़े रो चन्ना बसवेश्वर ये से भड़न से धर्म में एक की ले जो आज वो एक पुण्य बंजारा समाज रे पुण्य अन बंजारा समाज में अपन पैदा मिले चाकर कजगोन वो हिसाबे तीन सारी भारत देश नाम क्या मोट शेर एक आशीर्वाद तीन पुण्य तीन अने एक उधर एक मायर कहीं एक विचार हो तो वो विचार है तीजो कौन आज ये कल्याण कर्नाटक के रमाई अने ये बसोकल्याण तालुका रमाई आज परम पूज्य श्री लोकेश महाराज वो जो कौन ये सेवेर बढ़न से महाराज वो बढ़न समाज बढ़न वो न अकेले कर्नाटक बंजारा धर्म बोले महासभा जो अध्यक्ष हुए थे तालिया तालिया वर तालिया वर आज बापू उन्दुर जो हन्नेडे शतमाने में बसेश्वर की तो जो दूसरे दूसरे धर्म भी जो महाराज उनकी देश रामराव महाराज भी बापू सारी भारत देश हिंडो एक तांडो छोड़ो को नीचू हर एक जाग गुड़ी बंदान बंजारा समाज ने वकट करन से समाज ने वकट करे वालो रामराव महाराज बापू तो जो अकेले कर्नाटक बंजारा धर्म को एक कस गुरी छांग आओ ताड़े में लारा अपना शिक्षण है कतरा को घने कड़ी प्रमाण इंसान आर्थिक वाई घने कड़ी प्रमाण इंसान सामाजिक वाई घने कड़ी प्रमाण इंसान धार्मिक वागी भी घने कड़मी वेते तो आजेर दाड़ो भारत देशेर माई धार्मिक वागीन बंजारा समाजेन एक स्वतंत्र बड़ो भाकरन का तो कालेर दाड़ो आपन ये स्वतंत्र देशेर माई बंजारा समाज आवजे दाड़ेर माई बापुंद्र मार्गदर्शन माई शिक्षण घन ऊंचे मट्टी थी जावाड़ सा सामाजिक भी घन ऊंचे मट्टी दिजा वाला था राजकीय भी घन ऊंचे मट्टी दिजा वाला था आर्थिक वागी भी वरिष्ठ उन्होंने करन का तो बापू उन्हें प्लान सर एक योजने सर 15-20 वर्ष दाड़े आग आवजे दाड़े रमाई बंजारा समाज यार नान क्या मोड़ सच्चा पर वोन कम से कम अस शिक्षण यार गुणामंडा 10% साज 50% जोड़ो करके अनुभवी सर धार्मिक भी एक 50% आंगाणो कन बुरी सर आर्थिक वागी भी आंगाणो कन के सर राजकीय वागी भी सेवन आंगाणो कन के सर जर मदर बापू नो शेर आशीर्वाद देती अन से बंजारा समाज आशीर्वाद देती अन ये भूमि पर जो पैदा है मेरे से आपन से दूसरे दूसरे जो जाते वाले आशीर्वाद देती आओ जे दाड़ेर माई बापू लोकेश महाराज सदारतेर माई आचे आचे मोटे मोटे सम्मेलन आचे आचे क्रांतिकारी अथवा आचे शैक्षणिक धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम मोटे मोटे सम्मेलन वेन ये कर्नाटक रे एक आचे दाती भणो आवळे दाडे माई आचो भाग्य वाळो छ बापू रामराव महाराज उंद्र आशीर्वाद बापू नमन मिलिस शेर मन मिलिस ये प्रकार वागी आपण काम आवळे दाडे माई आचो वेवाळो छ करेंगे के तो भयो लोकेश महाराज यार मट्टे नाम बापू नम आशीर्वाद ले रहे हैं हम सेन घर संतोष हुई करके इनके मरवाते करें अवकाश देने तुमने सेन धन्यवाद कर दीवाते में समझो अब आपनो जो समाज सेवक छ एक महाकवि छ साहित्य लेखक छ आपनो बाबू एम चाहे ई बाबू एम चाहे गुणा मारे छ पेतन काई कर छ काई कर समाज से दे जय सेवालाल मैं आज यहां पर जो हमारे महाराष्ट्र और
कर्नाटक और दूसरे तेलंगाना राज्य के भक्तजन आए हैं उसके लिए हिंदी में बात करना चाहता हूँ मैं। तो पहला प्रथम हम हमारे हमारे परम पूजनीय श्री संत श्री सेवालाल महाराज के श्री चरणों में मेरे वंदन करते हुए हमारे जो बंजारा धर्म के पूरे संत और माताओं के चरणों में वंदन करें। आज जो हमारे इस श्रीमठ के पीठाधिपति श्री लोकेश महाराज जी के चरण में वंदन करते हुए आज जब जब इस धरती के ऊपर धर्म के ऊपर अधर्म का शक्ति प्रभाव ज़्यादा होता है तभी तभी भगवान हर एक रूप में पैदा होकर आता है। इसी तरह आज जो हमारा धर्म बंजारा धर्म के अंदर बंजारा धर्म ऐसा एक धर्म है जो किसी भाषा को उन्होंने लिखकर नहीं लिखा रखा है, किसी आचार विचारों को किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है और किसी धोरणा को उनके सिद्धांत ग्रंथ को लेकर नहीं चलने वाला, फिर भी ऐसा एक धर्म है, ऐसा एक संस्कृति है इस दुनिया में कई सालों से जिंदा रहने वाली एक एक संस्कृति है, वो बंजारा संस्कृति है। उस बंजारा संस्कृति को मानने वाले और उसको आचरण करके चलने वाले लोगों को ही बंजारा कहते हैं। उस बंजारा धर्म के समाज के अंदर अभी तक जो बहुत सारे बड़े बड़े हमारे संत हरगुरु शरण ने आए हुए हैं, इस धर्म मार्ग के ऊपर चलने के लिए हमने मार्गदर्शन दिया है। तो आज इस साल में जैसे हमारे प्रेम सिंह चव्हाण जी ने किया कहा कि हमारे प्रेम सिंह चव्हाण जी हमारे कर्नाटक राज्य के जो प्रौढ़शाला शिक्षकों का एक राज्य उपाध्यक्ष है, उनके साथ हमारे खेम सिंह जी है, हमारे फायर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स है, उन सभी लोगों के मनोकामना ये है कि पहली बार प्रथम समय है कि जब 11वीं शताब्दी में श्री बसवाणा जी की जो अनुभव मंडप में जो पूरे बिछड़े हुए और नीचे छोटे छोटे समाज के धर्म गुरुओं को लेकर धर्म जागृत करते हुए कैसे इस समाज के अंदर क्रांति किए थे, उसी तरह इस साल हमारे बंजारा धर्म के बहुत सारे संत शरण माताओं की अपेक्षा थी कि किसी तरह से इस बंजारा को एकता लाना है और बंजारा धर्म को जीवित रखते हुए कुछ पीढ़ी पीढ़ी तक ले जाना है। उसी विचारधारा के ऊपर इस पहली बार कर्नाटक में पूरे कर्नाटक के जितने संत शरण थे उन सभी मिलके कर्नाटक अखिल कर्नाटक बंजारा धर्म गुरुओं का एक समावेश रचन किया है, एक संगठना रचना किया है। उसी संगठना के आज का इस संगठना के अध्यक्ष बनाकर इस हमारे गुरुजी श्री लोकेश महाराज को अपने पूरे कर्नाटक के पूरे संत शरण उनका आशीर्वाद से महाराज को आज अध्यक्ष बना है। इस अध्यक्ष बनाने का जो समावेश था इसके अंदर महाराष्ट्र के और कर्नाटक के और तेलंगाना के पूरे हिंदुस्तान से दूर दूर से जो है राजकीय गण्य थे, सामाजिक चिंतक, कवि, साहित्य, इतने बड़े बड़े लोग आके जो इस जमा को जवाबदारी हमने हमारे गुरुजी को दिया है, इसी संतस समय के अंदर हमारे सो भक्तगण है महाराज श्री लोकेश महाराज के भक्तगण सभी मिलके आज जो आके महाराज जी को इस पद ग्रहण के खुशी मौके के ऊपर हमारे पूरे टीम आके बापू के चरणों में इस फूल और इस शाल सम्मान करके आगे का जो इस समाज के ऊपर जो जब धर्म के धर्म होता है धर्म का अर्थ यह है कि उठाना, धर्म अंत नहीं होता। जब जब धर्म का अंत करने वाले आते हैं उसका अंत नहीं, क्योंकि धर्म कब जन्म हुआ किसी को पता नहीं है। तो धर्म के कार्य को लेकर चलने वाले को धर्मात्मा कहते हैं। से ऐसे हमारे लोकेश महाराज जी आज धर्मात्मा बन गए हैं। तो ये धर्मात्मा की बढ़ता है कि इस समाज को सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक सभी भक्त गणों को लेके चलने का जिम्मा जो है आज हमारे श्री लोकेश महाराज जी को दिए है हमारे समाज से तरफ से। तो उसके लिए आज महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना पूरे जिला राज्य के आज भक्तगण आए इस खुशी मनाने के लिए इस तरफ आए। तो इसी खुशी में हम सब लोग आए और एक बार मैं कहूंगा कि इस खुशी को जाहिर करने के लिए
कहीं हम चार लोग आके यहाँ पर 50 लोग आके जमा होके महाराज को सम्मान किया तो उस सम्मान हम ही देखते। लेकिन हमारे साथ एक है सुभाष चव्हाण जी जो ऑल इंडिया बंजारा संघर्ष के लिए जो है ये पूरा दुनिया विश्व को पृथ्वी के अंदर जो जो भी जिसके पास मोबाइल है उसके अंदर जो है श्री सुभाष चव्हाण जी का ऑल इंडिया बंजारा संघर्ष टीवी के साथ संदेश को ले जाने वाले हैं। उसी ताकत के दौर पर हम जो यहाँ पर मिले हैं तो ये इस समय पर मैं सुभाष चव्हाण जी को धन्यवाद करूंगा कि कितना बड़ा काम कौन कर सकता है कि हमारे समाज के एक रत्न है। उसी रत्न के साथ आज हमने महाराज जी को जो सम्मान किया है ये सम्मान सभी के तरफ से गुरु जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। जय सेवा।